नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है, नया सिलेबस आया है कोविड-19 के अंतर्गत। ओके, सो 12th क्लास का आज की इस क्लास में हम कृषि रसायन के बारे में बात करेंगे कि एग्री केमिस्ट्री के सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं वो क्या आए हैं, और खासकर अब हम आगे इस साल भर हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि हमें इस साल कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है वो वही रहा है, सेम ही है। मतलब जितने का हमारा थ्योरी एग्जाम होता था, 56 नंबर का, 56 नंबर का होता था, वो उतना ही है। और हमारा जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक जो परीक्षा होती है वो 30 नंबर की थी, वो भी इक्वली है। और 17 अंक जो स्कूल से भेजे जाते हैं, 14-14 नंबर भेजे जाते हैं, तो कुल पूर्णांक जो है वो 100 नंबर का ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं है। ओके, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर पेपर में अगर कुछ चैप्टर्स कटे हैं, टॉपिक कटे हैं, तो पेपर कम का होगा, ज्यादा होगा, क्या है? तो पेपर हमारा 100 नंबर का ही रहेगा, वही है, बस चैप्टर्स के जो नंबर हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। ओके, सो उसके बारे में मैं आपको जब इनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर एडिटिज है, जिसका नाम था मृदा खनिज चट्टाने तथा उनका अपक्षय। ठीक है, तो वो चैप्टर है वो एडिटिज है। एक बार मैं चैप्टरों के नाम बोल देता हूँ और फिर इसके साथ में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हमारे इस सिलेबस में है, इस साल हमें पढ़ने हैं, वो कितने नंबर के हैं, और उनके बाद में थोड़ा सा हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बाकी कंप्लीट पीडीएफ जो है मैंने ऐप के अंदर जो बैच है उसमें डाल रखी है, उस ग्रुप में डाल रखी है। ठीक है, और आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप हमें व्हाट्सएप करना, तो आपको जो कंप्लीट आपका सिलेबस क्या है इस साल का उसकी एज ए पीडीएफ फॉर्म आपको हमें प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, सो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी जो ऐप में ऐड है तो मैं आपको जो फ्री स्टडी का जो बैच का जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा ये। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है मृदा खनिज चट्टाने व उनका अपक्षय, वो 4 नंबर का है। आप नंबर नोट करते हुए चलना, पॉइंट कॉपी लेके बैठे, साथ में इसको नोट करते हुए चले। सेकेंड चैप्टर जो हमारा वो भी एडिटिज है, मृदा जीवाश्म पदार्थ व मृदा सूक्ष्म जीव, वो हमारे 6 नंबर का है। ठीक है, ये है, इसमें से कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारे जो आधारित है वो है हमारा मृदा अभिक्रिया। ध्यान रखना यहाँ पर मृदा कोलाइड और आयन विनिमय दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। ठीक है, हमारे वो आ रहे थे, तो यहाँ पर थर्ड चैप्टर हमें जो पढ़ना होगा अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो है मृदा अभिक्रिया, जो 6 नंबर का है। जो पहले हमारा 5th चैप्टर था, अभी वो 3rd चैप्टर हो गया है। ठीक है, उसके बाद 4th चैप्टर जो है वो रहेगा हमारा अम्लीय व लवण प्रभावित मृदाएं, जो 8 नंबर का रहेगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट वाला जो चैप्टर था वो है, वो भी पहले भी था अभी भी रहेगा, ये 5 नंबर का है। उसके बाद नेक्स्ट है उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया व प्रभाव, फर्टिलाइजर्स वाला जो चैप्टर है वो भी एजिटिज है, वो भी 5 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जैव रसायन वाला चैप्टर, वो है 8 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे जो पर्यावरण वाला चैप्टर था वो हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 7th चैप्टर है हमारा जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री वाला, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, वो 8 नंबर का है। उसके बाद में 8th चैप्टर है इसमें जैविक या कार्बनिक खाद व जैव उर्वरक, ऑर्गेनिक मैनर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले जो 11th नंबर का चैप्टर था अब वो कौन सा हो गया, 8th नंबर का चैप्टर हो गया है ना। उसके बाद 9th चैप्टर है दुग्ध रसायन, जो 12th चैप्टर था लास्ट वाला चैप्टर मिल्क केमिस्ट्री, वो 9th चैप्टर है यहाँ पर, जो 7 नंबर का है। तो दुग्ध रसायन 7 नंबर का है, जैविक व ऑर्गेनिक मैटर वाला था वो 7 नंबर का है, जैव रसायन जो है 8 नंबर का है, उर्वरक वाला चैप्टर 5 नंबर का है, प्लांट न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर 5 नंबर का है, एसिडिक एंड सेलाइन सॉल्स वाला जो है वो 8 नंबर का है, सॉइल रिएक्शन वाला चैप्टर 6 नंबर का है, और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर वाला चैप्टर 6 नंबर का है, और सॉइल या रॉक्स वाला चैप्टर जो है वो 4 नंबर का है। ठीक है, सो ये तो है कि कौन कौन से चैप्टर आपके आपके इस साल 12th एग्री केमिस्ट्री 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें ये चैप्टर्स आने वाले हैं, 9 चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, इनके नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। तो मैं आपको जस्ट रीड करके टॉपिक्स को बता रहा हूँ, इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, या नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए
फर्स्ट जो चैप्टर है मृदा खनिज चट्टानें व उनका अपक्ष है, इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले सॉइल की डेफिनेशन पढ़नी है, परिभाषा पढ़नी है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद में मृदा के कार्य व उसकी विशेषताएं, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है इसके बारे में पढ़ना है, ये भी थ्योरी है। मृदा पादप वृद्धि का एक माध्यम, ठीक है, पादप वृद्धि पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो, मृदा के अवयव और मृदा प्रोफाइल, बस इतना ही पढ़ना है चैप्टर के अंदर। उसके बाद का जितना भी था रॉक्स वाला चैप्टर, रॉक्स वाला जो था मैटर वो हटा दिया गया है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं थी, 8-9 प्रक्रियाएं थी, वो सब कुछ हटा दिया गया है, सिर्फ मृदा प्रोफाइल के बारे में, मृदा अवयव के बारे में, उसकी परिभाषा, प्राकृतिक पिंड है, वो चीजें पढ़नी है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो इस चैप्टर के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का चैप्टर है, तो एक तो छोटा क्वेश्चन बनेगा इसमें डेफिनेशन से, और उसके अलावा जो ये दो ही टॉपिक हैं जो ढंग के हैं जो बोर्ड एग्जाम आ सकते हैं, मृदा अवयव और मृदा प्रोफाइल, इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा स्टार्ट डालते हुए चलना। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है हमारा मृदा जीवाश्म पदार्थ व मृदा सूक्ष्म जीव। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा एनालिटिक कर दूंगा आपको इसको वीडियो को, ताकि आपको ये पता रहेगा कि कौन कौन सी टॉपिक्स में से, क्या चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम आ सकते हैं ना। सिलेबस के बारे में तो डिस्कस हो ही गया है कि ये सिलेबस आएगा। अब सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर वाला, तो इसमें सबसे पहले परिभाषा, परिभाषा हमें पढ़नी है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, जो पादप स्रोत और जंतु स्रोत के अपघटन से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके स्रोत, दो प्रकार के स्रोत थे, पादप स्रोत और जंतु स्रोत, उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके संगठन के बारे में पढ़ेंगे, उसके विघटन के बारे में पढ़ेंगे, और जीवाश्म पदार्थों के विघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमस क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसके गुण, और ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमस पूरे टॉपिक के बारे में, ठीक है। फिर जीवाश्म पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जीवाश्म पदार्थों के गुण कौन कौन से होते हैं और उनका उर्वरकता पर, मृदा उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। फिर मृदा सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो लिस्ट में हमने पढ़ते थे। फिर उसके बाद में CN अनुपात, जो हर बार आप डाउट क्लास में पूछते हो वो है आपके, और मैं हर बार कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात से क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी पढ़ेंगे इसके बारे में। नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन चक्र हटा दिया गया, ध्यान रखना, सिर्फ नाइट्रोजन चक्र के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सहजीवी और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो सबसे लास्ट का टॉपिक है, जो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है, इसमें से हम सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ में एक चीज और बता दूं कि आप में से जो ओल्ड बैच में जुड़े हुए हैं, तो आपका जो सिलेबस है वो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको अपडेट कर दिए, आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके जो नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, उसको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिए, आप घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ जो बच्चे अभी तक बैच में ऐड नहीं है, जिनको अभी तक इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि पढ़ना चाहते हो, तो न्यू बैच हमारे स्टार्ट हुए हैं आज से ही, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसकी फीस जो है 12th एग्रीकल्चर में तीनों सब्जेक्टों की जो फीस है सिर्फ अभी स्टार्टिंग में ऑफर में 1900 रुपए है, सिर्फ 1900 रुपए है, 2000 भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि 1999 रुपए है, 1900 रुपए है, जिसमें आपको 12th एग्रीकल्चर की तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएंगे। जी हाँ, ये नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट, और ना ही ये फीस मंथली है, ना ही ये एक सब्जेक्ट की है, कंप्लीट कोर्स की है, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है कि न्यू बैच कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज उसमें मिलेगी, वो सारी चीजें हैं, तो आप उसको एक बार यूट्यूब पे जाकर उसको देख लेना, तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। ओके, सो थर्ड चैप्टर जो है हमारा मृदा विक्रय, जो पहले 5th चैप्टर था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सॉइल रिएक्शन। सॉइल रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो इसके पीएच के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, पीएच मीटर क्या है, ये दो तीन चीजें तो इससे रिलेटेड है, पीएच प्लस पीएच बराबर 14 हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा मृदा पीएच जो है, पीएच को, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, कि मृदा का जो पीएच है उस पोषक तत्वों की प्राप्तता किस पीएच पर होती है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मृदा पीएच पर सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, किस पीएच पर कौन सा सूक्ष्म जीव एक्टिव रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पौधों की वृद्धि व रोगों का प्रभाव इसके बारे में पढ़ेंगे, और उभय प्रतिरोधक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मृदा अभिक्रय वाले चैप्टर में से पीएच के बारे में, पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पोषक तत्वों की प्राप्ति, सूक्ष्म जीवों की प्राप्ति, और उसके अलावा लास्ट है पौधों की वृद्धि व रोगों का प्रभाव, और उभय प्रतिरोधक, ये 5-6 टॉपिक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा अम्लीय व लवण पदार्थ मृदाएं, एसिडिक एंड सैलाइन बेस्ड सॉइल जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लगभग वही चैप्टर है, इसमें कुछ कम ही करेक्शन किया गया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले
परिभाषा, थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ है ना, लिखते हुए चलना। सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, मृदाएं क्या होती है जैसे पढ़ते हैं, फिर उनकी विशेषताएं, ठीक है, अम्लीय मृदा बनने के कारणों के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पौधों पर अम्लीयता का प्रभाव क्या होता है तथा रासायनिक सुधार। अम्लीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे, अम्लीय मृदा किस प्रकार से बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे, पौधों पर अम्लीय मृदा जो है उसका जो अम्लीयता है उस पर पौधों पर अम्लीयता का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट पढ़ेंगे कि इसका सुधार किस प्रकार से किया जाता है। तो ये हो गया अम्लीय मृदा के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लवणीय मृदाओं के बारे में, लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण जो तीन प्रकार से होता है ना, टेबल रूप में मैंने आपको पढ़ाया था याद हो तो, लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाएं, तीनों प्रकार की जो मृदाएं हैं उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर लवणीय व क्षारीय मृदा बनने के कारण व उनके कारक व उनका निर्माण उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे मृदा क्षारता व लवणीयता का पौधों पर प्रभाव, लवणीय मृदा किन कारणों से बनती है और उनका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है लवणता का या क्षारीयता का उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर लवणीय व क्षारीय मृदाओं की पहचान व सुधार उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंचाई जल की गुणवत्ता, और लास्ट टॉपिक है लवणीय जल उपचार व प्रबंधन, लवणीय जल का किस प्रकार से उपचार किया जाता है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत। इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी डाल दूंगा, इनके जो सब टॉपिक्स हैं कि भाई किसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं, तो आप उसको प्रिंट निकलवा लेना और अपने रूम में चिपका लेना तो इजी रहेगा आपको, है ना। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा वो है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट वाला। इसको भी बहुत मिनिमाइज कर दिया गया है, बहुत छोटा कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो हम इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं, है ना, जो छोटी सी है, सीधा डायरेक्ट वर्गीकरण आपको इसमें पढ़ना है। लेकिन अच्छा मैं एक चीज और बताऊं आपको कि कुछ कुछ चैप्टर्स में क्या है कि जो मेन मेन टॉपिक है उन्हीं के बारे में पढ़ना है, लेकिन फॉर योर फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको उस टॉपिक को पढ़ना है वो ठीक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन उसके लिए आपको जो चैप्टर का स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसकी डेफिनेशन है उसके बारे में है वो भी आपको पढ़ना है आपके बेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये चीज क्या है तब तक आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, ओके। और जहां तक है एक चीज ये भी है कि चैप्टरों में सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को सम्मिलित किया गया है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं को सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो भी नहीं पढ़ना है। आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ना है, वो इसीलिए पढ़ना है ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे, आपका बेस क्लियर हो, क्योंकि आप अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्ट वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आपको पहले उसके बारे में जानकारी जाननी होगी कि ये चैप्टर क्या है। जैसे आप न्यूट्रिएंट की बात करें तो आपको प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में पहले उसकी डेफिनेशन जाननी होगी। यहां पर बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट उसका क्लासिफिकेशन दे रखा, उसका वर्गीकरण दे रखा कि आप वर्गीकरण पढ़िए, लेकिन वर्गीकरण से पहले आपको पता है पुराने सिलेबस में आपको उसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर अननोन के अनुसार जो अनिवार्यता जो है उनके प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ते हैं, फिर जाके हम क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। तो वो चीज यहाँ पे आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा, उसके बाद ही आप क्लासिफिकेशन पे जा पाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको उसका बेस क्लियर करना पड़ेगा, या आप टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़िएगा। बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट पादप को आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण के बारे में, फिर मृदा में पोषक तत्वों के उपलब्ध प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं ना टेबल रूप में कि नाइट्रोजन इस रूप में प्राप्त होती है, फास्फोरस इस रूप में होती है, पोटेशियम, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस रूप में प्राप्त होते हैं, तो उनके किस रूप में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि, पोषक तत्वों को पादप किस रूप में ग्रहण करता है, किस क्रियाविधि के द्वारा ग्रहण करता है, जड़ द्वारा तने द्वारा जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि उनकी उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य व कमी के लक्षण, इसमें बस इतना ही है, ठीक है। तो इसमें मेन जो क्वेश्चन बनने वाले जो टॉपिक हैं, एक तो क्लासिफिकेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, विद एग्जांपल आपको याद रखने हैं उससे क्वेश्चन बनता है, और पोषक तत्वों के उपलब्ध प्रारूप जो है इससे क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको एक टेबल जो रूप में उसको याद रखना है। फिर इसमें प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, और पोषक तत्वों के कार्य और उनके कमी के लक्षण, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसमें भी खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट हैं उन्हीं के ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं सिक्स चैप्टर के अंतर्गत, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हर चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन या बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको आगे पूरा साल भर तक का माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसलिए अच्छी चीज पानी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों।
नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा सिक्स चैप्टर वो है उर्वरकों वाला, है ना, फर्टिलाइजर्स वाला। मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उर्वरकों की परिभाषा, उनका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो उर्वरक हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ यही है, उर्वरकों का वर्गीकरण उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर सीधा हमारे मेन टॉपिक पर यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN, जिसको किसान खाद भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अमोनियम सल्फेट के बारे में पढ़ेंगे, डाई अमोनियम फास्फेट DAP के बारे में पढ़ेंगे, DAP इंपॉर्टेंट है। फिर सिंगल सुपर फास्फेट SSP के बारे में पढ़ेंगे, फिर MOP म्यूरेट ऑफ पोटास इसके बारे में पढ़ेंगे, MOP भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इन उर्वरकों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि इनका देखो, हर उर्वरक के बारे में आपको चार पॉइंट्स पढ़ने हैं, मैं आपको क्लासेज में भी बताता हूँ। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना है, उसका संरचना सूत्र क्या होता है, ठीक है, उसका संगठन क्या है, उसमें नमी की मात्रा कितनी है, उसमें नाइट्रोजन है तो कितना है, पोटेशियम है, फास्फोरस है कितना है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके गुण के बारे में पढ़ना है, देखने में कैसा है, वो सफेद है, धूसर है, लाल है, किस प्रकार का है। फिर उसके संगठन के बारे में पढ़ना है, गुण हो गए उसके, गुण के बाद उसका संगठन, मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कितने कितने प्रतिशत मात्रा में वो होती हैं। फिर तीसरा है उनका मृदा पर और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मृदा में जो अभिक्रिया है वो वाला पार्ट यहाँ पर हटा दिए गए थे, है ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा है। तो आप में से कुछ बच्चों के जैसे डाउट्स भी आते थे कि सर ये वाली रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, ये वाली रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। यहाँ पर आपको मृदा में अभिक्रिया वाला जो पार्ट है वो उर्वरकों से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको 3 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, पहले आपको 4th पॉइंट पढ़ने पड़ते थे, ओके। 3 पॉइंट में सबसे पहले उसके गुण आ जाएंगे, उसका संगठन आ जाएगा, और उसके बाद में मृदा या फसलों पर उसका, उस उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ता है, एसिडिक इफेक्ट पड़ता है, बेसिक इफेक्ट पड़ता है, या और भी प्रकार से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7th चैप्टर की, जो 7th चैप्टर है हमारा जैव रसायन चैप्टर, है ना, बायोकेमिस्ट्री, इसको भी बहुत कम कर दिया गया है। पहले हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते थे इस चैप्टर में, और बायोलॉजी में भी ऑलरेडी ये 2nd चैप्टर दे रखा है, तो हम बहुत ज्यादा, और इसमें प्योर केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा हमारा टफ पड़ता था हमारे लिए, है ना, समझने के लिए। तो जैव रसायन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं परिरक्षक के बारे में, इंपॉर्टेंट है परिरक्षक, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उपयोग व उसकी विशेषताएं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। परिरक्षक की परिभाषा, उसके प्रकार, उपयोग और उनकी विशेषताएं, सॉरी। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं खाद्य रंगों के बारे में, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, विशेषताएं, स्वास्थ्य पर खाद्य रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो 2 टॉपिक तो ये हैं, परिरक्षक और खाद्य रंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा फिर हम जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स, एंजाइम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और एंजाइम, इन 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी परिभाषा, उनके महत्व और उपलब्धता के उनके स्रोत क्या है। तो रिएक्शन वगैरह वाला पार्ट था इसमें, वो भी कम हो गया है, आपको सिर्फ थ्योरेटिकली ही पढ़ना है। देखो सिलेबस जो है आपको कम किया गया है, साथ में जो टॉपिक का हार्डेस्ट पार्ट था वो भी आपका यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है ना, तो ये आप लोगों के लिए इजी है, बिकॉज हमारे पास में टाइम बहुत कम है, और जो बैच में ऐड नहीं है आप लोगों के लिए तो वाकई में बहुत कम टाइम है, क्योंकि ओल्ड बैच में ऑलरेडी मैंने एक जो बैच है उसमें, जैसे केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री पूरी करवा दी है, एग्रीकल्चर में हाफ हो गया है, और बायोलॉजी में भी मतलब 50-50% कोर्स हो चुका है, तो उनका इसी मंथ के अंदर जल्दी ही ये कोर्स खत्म हो जाएगा, जो ओल्ड बैच वाले बच्चे हैं इस मंथ के अंदर कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम रिवीजन क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, फिर बोर्ड एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमने फीस बहुत मिनिमाइज कर रखी है, सिर्फ 1900 रुपए में साल भर के लिए आपको तीनों सब्जेक्टों का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज फिर कम टाइम रहेगा तो फिर हम भी ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना, तो बैच को हम फिर ऑफ कर देंगे, इस मंथ में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं जैविक और कार्बनिक खाद व जैव उर्वरकों के बारे में। ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जैविक खाद की परिभाषा पढ़ने वाले हैं, जैविक खाद का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, जैविक खाद के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर गोबर की खाद, केंचुआ खाद, नाडेप कंपोस्ट, हरी खाद, इनके बारे में, ठीक है, गोबर की खाद, केंचुआ की खाद, नाडेप कंपोस्ट और हरी खाद, इनको बनाने की विधि, इनके महत्व और मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इन चारों खादों के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है वो खली के बारे में पढ़ने वाले हैं,
खलियां क्या होती हैं, उनका मृदा में महत्व और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। खलियां क्या हैं, हालांकि वर्गीकरण का इसमें लिखा नहीं है, बट वर्गीकरण में आप पढ़ लेना है ना। खलियां जो है उनका, खलियां क्या होती हैं, उनका मृदा में महत्व क्या होता है उसके बारे में। और फिर लास्ट है जैव उर्वरक, जैव उर्वरक चैप्टर, बायो फर्टिलाइजर्स जो है तो उसकी परिभाषा, उनका वर्गीकरण, महत्व और उनके लाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनका प्रयोग में सावधानी कौन कौन सी रखी जाती है ये पढ़ने वाले हैं। और लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैविक खाद और उर्वरक में अंतर, भेद, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक तो डिफरेंस वाला इंपॉर्टेंट है। गोबर की खाद या कंपोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली, उसको पूरा पढ़ के जाना। ठीक है, उसमें जैसे कि मैं बात करूँ तो उसमें क्या बोलते हैं उनको, अवयव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसकी विधि क्या है, टैंक किस प्रकार से भरा जाता है, टैंक में कितने बाई कितने की ऊंचाई पर क्या क्या चीजें भरते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो पढ़ के जानी है। और खाद जो है, जैविक खाद का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो सेकंड टॉपिक है, वो भी पढ़ के जाना, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो चार पांच टॉपिक इस चैप्टर से डेफिनेटली आने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है वो है, लास्ट चैप्टर जो है हमारा, वो है दुग्ध रसायन, मिल्क केमिस्ट्री। ठीक है, दुग्ध रसायन को भी बहुत बड़ा चैप्टर था ये, लगभग काफी हमारे 20-25 दिन चला है लास्ट क्लास में यदि हम देखते हैं तो इसके बारे में, इस चैप्टर में आपको सिर्फ दूध और खीस के बारे में पढ़ने वाले हैं एक तो। ठीक है, दूध और खीस के बारे में क्या क्या, उनकी परिभाषा, उनका रासायनिक संगठन, उनके पोषक मान, संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, इन चारों टॉपिकों को पढ़ने वाले हो। ठीक है, दूध के बारे में और खीस के बारे में। उसके अलावा फिर हम मिल्क प्रोडक्ट्स पढ़ते थे, मिल्क प्रोडक्ट्स में सिर्फ बहुत कम कर दिए गए हैं, दूध उत्पाद जो है जिसमें दही, मक्खन, घी, पनीर, क्रीम और छेना, 2 और 2 4 और 2 6 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। दही, मक्खन, घी, पनीर, क्रीम और छेना, इन 6 ही दूध उत्पादकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो भी उनके सिर्फ दो चीजें, पोषण मान कि उसमें पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, और उनका रासायनिक संगठन कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो एक टेबल रूप में हम पढ़ते हैं ना, वही चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दूध में अपमिश्रण के लिए प्रयुक्त पदार्थ व उनका परीक्षण। हम जो परीक्षण करते हैं कि भाई ये पदार्थ मिलावट वाले हैं और इनके लिए ये परीक्षण किए जाते हैं ना, जो हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट भी था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है दूध प्रसंस्करण की विधियां, है ना, प्रसंस्करण की जो हम विधियां पढ़ते हैं, विधियां स्वच्छ व सुरक्षित दूध उत्पादन और विपणित दूध व उसके प्रकार। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट मिल्क के बारे में 100% क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया, तो 2 और 2 4 टॉपिक हैं इसमें। दुग्ध रसायन वाला चैप्टर बहुत छोटा कर दिया गया है, इसमें मेजर टॉपिक जो है वो 4 ही हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये आपका थ्योरी पार्ट जो है वो क्लियर होता है। थ्योरी पार्ट में इस साल 2021 में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत आप सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। उनमें भी जो जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं मैंने आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा दिया है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसी के साथ मैं बात कर लेता हूं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम प्रायोगिक के बारे में, मतलब प्रैक्टिकल में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल में आप पढ़ने वाले हैं, एक तो है सॉइल का, हम जो सैंपल लेते थे है ना, सॉरी आप तो मतलब अभी आप प्रैक्टिकल करोगे आप तो, ठीक है, सॉइल सैंपल के बारे में एक तो पढ़ने वाले हैं कि मृदा नमूना लेने की विधि वो क्या है। मैं खुद भी आपको, जो लैब बेच में आप जुड़े हुए हैं या फिर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल भी मैं आपको टाइम मिलेगा तो आपको बाकायदा करके बताऊंगा, है ना, उसकी वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्कूल्स वगैरह में फैसिलिटीज नहीं हो या फिर नहीं कराए जाए या फिर इस बार कंडीशन ऐसी जो नहीं हो पाए, तो मैं आपको सारे प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे बताऊंगा करके। और मेरा जो मेन मोटिव है फीस कम रखने का, या फिर वो इसीलिए है कि गांव के बच्चे ज्यादातर जो है वो पढ़े, कम से कम फीस में पढ़े, अफोर्डेबल फीस में पढ़े, इसलिए हमने फीस कम रख रखी है। और खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, जहां पर मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बट एक ये प्रैक्टिकली बात है, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट में सही से पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ की कुछ फैकल्टी जो ध्यान नहीं देती हैं, तो खासकर मेरा वीडियोस बनाने का, कोर्स बनाने का मोटिव सिर्फ वही है कि गवर्नमेंट वाले बच्चों पीछे नहीं रहने चाहिए, उनको पूरा पूरा फायदा मिलना चाहिए। तो यूं कहूं तो मेरा एक तरीके से यह है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ ये 1900 रुपए का एक कोर्स ले लेते तो कुल मिला के आप 2000 का खर्चा है आपके साल भर का, 2000 में आपको कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है, आपकी 12वीं पूरी हो जाएगी, है ना, तो बहुत सस्ती एजुकेशन हो गई है। तो यही है, तभी हम एजुकेशन अच्छी ले पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा देश तभी आगे बढ़ पाएगा, है ना। जय जवान जय किसान के नारे लगाकर अपने अपने आप को पॉपुलर बनाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, हमें खुद को स्टैंड लेना पड़ता है। चलिए आप तो इधर ध्यान दीजिए, बात कर रहे थे हम प्रायोगिक की, तो प्रायोगिक में आप सबसे पहले सॉइल सैंपल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 4 नंबर का है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में पानी या मृदा अम्लीय व लवणीय की पीएच और ईसी का मान ज्ञात करना, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ईसी मतलब इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं ना,
जो टेबल रूप में पढ़ती हैं, इसमें अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ोगे, जो आप इस चैप्टर में पीएच ईएसपी इसी के बारे में पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ना, उन्हीं को लेकर एक प्रैक्टिकल का पार्ट है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर थर्ड प्रैक्टिकल है हमारा मृदा या सिंचाई जल में CO3 कार्बोनेट व हाइड्रोकार्बन CO3 - 2 या HCO3 या Cl की उपस्थिति का ज्ञात करना, ये एक टाइट्रेशन है जो हमारे लैब में होती है, केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दूध में अपमिश्रण की जांच के बारे में, कि दूध के अंदर जो मिलावटें होती हैं उसकी जांच करनी है, उसमें भी खासकर तीन जो टेस्ट है आपको यूरिया के बारे में, स्टार्च के बारे में और सिंथेटिक दूध, इनकी मिलावट होती है उसकी जांच किस प्रकार से की जाती है वो पढ़ने वाले हैं। सो आपको यही अलर्ट कर देता हूं कि दुग्ध रसायन चैप्टर है, इसके बारे इसमें हम कम से कम 8-9 परीक्षणों के बारे में पढ़ते हैं, उनमें से ये तीन परीक्षण आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ने हैं, कौन कौन सा, यूरिया वाला, स्टार्च वाला और सिंथेटिक दूध वाला, कि इनकी मिलावट की जाती है तो उसकी जांच किस प्रकार से करनी चाहिए वो आप थ्योरी में पढ़ लेना, वही आपके प्रैक्टिकल में आने वाला है ना, दोनों सिमिलर है। उसके बाद फोर्थ हो गया, उसके बाद फिफ्थ जो है वो आपके प्रादर्श रहता है, प्रादर्श का मतलब है कि आपको कुछ लैब के अंदर से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ यंत्र रख दिए जाते हैं आपके जो काम आए थे, ये जो आप टाइटेशन वगैरह करोगे तो कुछ रख दिए जाते हैं, तो उनको आपको पहचानना होता है, उनकी आइडेंटिफाई